गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे अंडे के छिलके। अंडे सबको पता है ना, मुर्गी जो अंडे देती है उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो छिलके हम किस काम में ले सकते हैं या हमको उनसे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पहले हम इस पाठ का थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें समझाएंगे। इस पाठ में हमें ये बताया है कि छिपकलियाँ जो होती हैं हमारे घर में, हमें जगह जगह छिपकली दिखती है ना, हम उनको भगाते हैं, उनको इधर उधर बाहर निकाल देते हैं या मार देते हैं कोई दवाई से, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि छिपकली नहीं होगी उस रूम में तो वहाँ छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, वो हमें परेशान करेंगे, है ना। छिपकली होती है तो वो क्या करती है, उन सबको खा जाती है, तो वो हमारे तक नहीं पहुँचते, वो हम तक बीमारियाँ नहीं फैलाते हैं। तो अगर हम छिपकली को हमारे रूम में नहीं आने देंगे तो जो छोटे छोटे मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े हैं वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये जो प्रकृति है, इसने जो भी जीव जंतु बनाए हैं वो सभी किसी ना किसी रूप में हमारे काम आते हैं या एक दूसरे के काम आते हैं। उनको हर एक को प्रकृति ने, ईश्वर ने कोई ना कोई काम सौंपा है। उनसे ये कहा गया है कि आपको ये काम पूरा करना है, और उन लोग अपना अपना काम सही तरीके से करते हैं तभी हम सबका जीवन सुचारू रूप से चलता है, हमारे आसपास संतुलन बना रहता है। यदि छिपकली नहीं होगी, कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएगी, मच्छरों को नहीं खाएगी, तो रोज हम लोग बीमार पड़ेंगे। कब तक हम मच्छरदानी के अंदर रहेंगे, कब तक हम ओडोमास लगाएंगे या कोई भी दवाई लगाएंगे, कैसे हम इन सब चीज़ों से बचेंगे। अगर छिपकली है तो वो उन सबको खाती रहती है, वो मरते रहते हैं और छिपकली भी वहाँ रहती है। बस उससे इतना ध्यान रखना है कि वो हमारी किसी चीज़ को जहरीला ना करे, क्योंकि वो इतने सारे कीड़े मकोड़े खाती है, उन सबका जहर उसके अंदर रहता है। यदि वो हमारे किसी खाने की चीज़ में गिर जाती है तो वो बहुत जहरीला हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए हमको बस ये ध्यान रखना है कि छिपकली हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के काम में टांग अड़ाता है तो सब कुछ अलग हो जाता है ना, तितर बितर हो जाता है। मान लो मम्मी का काम खाना बनाने का है और आप जाके बोलने लगो कि मम्मी हम खाना बनाएंगे, और उसी टाइम पे आप खाना बनाने की कोशिश करोगे, आप सीखोगे, ये चीज़ इधर से उठाई, वो चीज़ उधर से उठाई, तो मम्मी का पूरा मूड भी ख़राब हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, उनको कहीं जाना है तो वो लेट भी हो जाती। तो जो काम जिसके लिए निर्धारित किया गया है वो वही काम करता है। अगर कोई दूसरा आके उस काम को करता है तो सामने वाले का पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि अब हम इसको किस तरह से करें। आप लोगों का जो खेलने का काम है, आप खेलने आए तो आपको अपने दोस्तों के साथ ही खेलना है। कभी मम्मी ने बोला नहीं बेटा कोरोना है, बाहर खेलने नहीं जाना, चलो घर में ही खेलो, अपन खेलें, तो आपको उतना मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है अरे नहीं हमको तो हमारे दोस्तों के साथ ही अच्छा लगता है। तो हर एक को अपना अपना तरीका है जीने का, अपना अपना तरीका है अपने काम को करने का। तो प्रकृति ने भी जितने भी जीव बनाए हैं उन सभी जीवों को कोई ना कोई काम सौंपा है, और वो सब अपना काम सही तरीके से करते हैं तभी हमारी ज़िंदगी सही तरीके से चलती है। छिपकली जो है अनजाने में ही हमारी कितनी रक्षा करती है, उसे नहीं मालूम है कि वो इन कीड़े मकोड़ों को खा रही है, तो उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। वो हमें देख के डर जाती है, भागती है, उसे ऐसा लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि वो हमारी रक्षा करती है। इसी तरह प्रकृति ने और भी कई जीव जंतु बनाए हैं हमारी मदद करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, किसी भी जीव जंतु को कष्ट पहुँचाने का अर्थ है खुद की जिंदगी को मुसीबत में डालना। अगर हम किसी भी जीव जंतु को ख़त्म करते हैं, मारते हैं, मतलब हम अपने जीवन में कोई एक नई मुसीबत लेकर आने वाले हैं, कोई एक नई मुसीबत आएगी। अगर हमने किसी जानवर को मार दिया, हमने किसी गाय को मार दिया तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा, है ना, हमने किसी बैल को मार दिया तो किसान खेती कहाँ से करेंगे। तो कोई भी जानवर को यदि हम मारते हैं तो हम अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। कुछ बच्चों को अपने घर में छिपकलियों का इधर उधर घूमते हुए देखना
अच्छा नहीं लगता, उनको डर लगता है, मम्मी उस कमरे में छिपक लिए, हम उधर नहीं जाएंगे, मम्मी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इस पाठ में भी ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिनको छिपकलियों का अपने घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों ने क्या करा है कि जो अंडे के छिलके होते हैं, जब हम अंडे को उबाल लेते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसके बाद उसका जो छिलका होता है, उस छिलके को वो लोग अलग अलग जगह पर छुपा कर रख देते हैं। उनसे किसी ने बोला है कि अगर अंडे के छिलके अपन ने कमरे में रख दिए तो फिर उस कमरे में छिपकली नहीं आएगी। तो उन लोगों ने जगह जगह पर ऐसा ही काम कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो अंडे के छिलके थे उस पे बहुत सारे तरह तरह के कीटाणु आ गए, छोटे छोटे मच्छर होते हैं वो बारीक बारीक, वो मच्छर आकर उस पूरे अंडे के छिलके पर जमा हो गए, जिसके कारण पूरे कमरे में बदबू आने लगी, वो अंडे का छिलका खराब हो गया और उसमें से बदबू आने लगी, वो जो छोटे छोटे मच्छर थे वो खाने की चीज़ों पर बैठने लगे, उन बच्चों को काटने लगे, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो गए। तो उस रूम में 3-4 बच्चे रहते थे, उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको छिपकलियों से डर लगता था और किसी की सुनी हुई बात को मानकर उन्होंने ये काम किया, जगह जगह पर अंडे के छिलके रख दिए। लेकिन उन अंडे के छिलकों को रखकर उन्होंने एक नई मुसीबत मोल ले ली। उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए फिर वो अलग अलग उपाय सोचने लगे। तो जो 3-4 बच्चे थे उन लोगों ने क्या क्या काम किया उस मुसीबत से बचने के लिए, जो 2 बच्चों ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी अंडे के छिलके रखकर, उससे छुटकारा पाने के लिए उन चारों ने अपने मम्मी पापा की मदद ली, या अपने मन से जो भी कुछ करा, वो सारी चीज़ें एक नाटक के माध्यम से हमको इस पाठ में बताई गई हैं। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, उसमें 3 या 4 लोग होते हैं, या हम किसी स्टेज पर जाकर कोई प्रोग्राम देखते हैं, हमारे स्कूल में कभी एनुअल फंक्शन होते हैं या आपके स्कूल डे होता है, उसमें अपन लोगों को देखते हैं नाटक होते हैं, तो हम उसमें आगे बैठ के देखते हैं, 1 पात्र 2 पात्र आते हैं, वो लोग अपना अपना डायलॉग बोलते हैं। उसी तरह से इस पाठ को एक नाटक के रूप में बताया गया है, जो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ के समझाएंगे। उसके पहले जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद उस पाठ को पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना कि उस पाठ में क्या दिया गया है। बहुत मज़ेदार पाठ है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।